हेलो एवरीवन, द सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोल किचन में बनने जा रहा है साउथ इंडियन डिश का बहुत ही स्पेशल कॉम्बो, नारियल की चटनी लेकिन जौहर के डोसे के साथ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। कुक टेस्टी, कुक स्मार्ट। साउथ इंडियन इडली और डोसा के लिए आज सोल किचन में बनने जा रही है बहुत ही स्पेशल नारियल की चटनी, बहुत ही झटपट। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा नारियल ले लीजिए और उसके पीछे का जो छिलका है, जो पोर्शन है, उसको कट कर लीजिए इस तरीके से। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नारियल। नारियल के बाद ये देखिए दो फ्रेश हरी मिर्च है, आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। दो छोटे टुकड़े अदरक के, 3 से 4 कली गार्लिक की, एक छोटी कटोरी मैंने भुना हुआ चना लिया है और 1 चम्मच इसमें रोस्टेड पीनट है। आप भुना चने की जगह आप चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दाल भीगी हुई होनी चाहिए या दाल आपकी रोस्टेड होनी चाहिए। आज मैं इसमें भुना हुआ चना डाल रही हूँ, ये देखिए इसको भी हम डालेंगे। 1 छोटी कटोरी घर का ताज़ा दही है, इसे भी हम डालेंगे। 1/2 नींबू का रस, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा जाएगा नमक। तो बैटर बनाने के लिए देखिए थोड़ी सी जाएगी इसमें शुगर। कलर को बहुत अच्छा बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ धनिया पत्ता लिया है, आप मिंट भी ले सकते हैं, मिंट लीफ भी ले सकते हैं। मैं इसमें धनिया पत्ता डालूंगी और इसको हम अच्छे से रुक रुक के ग्राइंड करेंगे, अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना। थोड़ा सा इस तरीके से पीसने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको दोबारा से हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी चटनी जो है 2-3 बार ग्राइंड करने के बाद इसको हम अपने एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब अपनी इस चटनी को पीसने के बाद देखिए हम इसके ऊपर एक फाइनल तड़का लगाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पैन रखिए, इसमें हल्का सा ऑयल डालिए। इसमें सबसे पहले जाएगा देखिए मस्टर्ड सीड के बाद इसमें देखिए छोटा चम्मच जाएगा जीरा। अगर आपको यहाँ स्टेज पर लगता है कि ऑयल गर्म हो चुका है तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ा सा जाएगा हींग, 2-3 लाल मिर्च, थोड़ा सा फ्रेश करी पत्ता, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तड़के को इस अपनी चटनी के ऊपर हम डाल देंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली हमारी नारियल की चटनी घर में बनके रेडी है। अब हम इसके साथ आज बनाएंगे जौहर का बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी डोसा। ग्लूटेन फ्री और बहुत ही हेल्दी जौहर का डोसा बनाने के लिए ये देखिए 1 छोटी कटोरी भर के मैंने जौहर का आटा लिया है। ये देखिए ये एक सिंपल जौहर का आटा है, ये मार्केट में या ऑनलाइन आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इसको एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे। इसमें मैं किसी भी तरीके का दही, बेकिंग सोडा या इनो या ईस्ट किसी का भी यूज़ आज नहीं करूँगी, आपको उसके बिना ही झटपट बनाना बताऊँगी। अब देखिए इसका हम बैटर रेडी करेंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी जौहर का आटा लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालूंगी। अब देखिए इसमें पानी डाल के इसका रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पानी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और इसको मिक्स करना है। अब देखिए इसका घोल रेडी करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है फ्रेश कटा हुआ धनिया, थोड़ी सी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा जाएगा इसमें चॉप किया हुआ प्याज, अनियन। अब इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। स्वाद के हिसाब से डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए सबको मिक्स करने के बाद ये इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा रेडी है। अब इसको हम फूलने के लिए 5-7 मिनट तक के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे बैटर को रखे हुए और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हल्का सा पहले से गाढ़ा हो गया है, जो जौहर के आटे ने थोड़ा सा पानी इसमें से पी लिया है। अभी हमें इसको थोड़ा सा पतला और करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल फ्लोइंग होनी चाहिए, बिल्कुल वाटर फ्लो जैसे होता है। ये देखिए आप चाहे तो इससे भी थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं।
बैटर जितना पतला होगा डोसा हमारा उतना क्रिस्पी बनेगा, बैटर जितना हमारा थिक होगा हमारा डोसा उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये देखिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसमें बैटर कलर और बैटर टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। ये देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा ओरिगैनो डालूंगी, इनको मिक्स करेंगे। अब यहाँ डोसा बनाने के लिए देखिए डोसा जो पैन है वो मैंने गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको किसी आप कपड़े से या इस तरीके से टिश्यू से आप इस डोसे पैन को इस तरीके से क्लीन कर दीजिए। ये देखिए और इसके फ्लेम को बैलेंस लाने के लिए देखिए थोड़ा सा ऐसे पानी स्प्रिंकल करेंगे और पानी को भी हम एक टिश्यू से क्लियर कर देंगे। अब देखिए तवे को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर आप जब भी ये डोसा डालने लगे एक बारी आप बैटर को इस तरीके से हिला लीजिए, क्योंकि ये जो आटा है ये नीचे बैठ जाता है। मैं आपको कटोरी से भी बनाना बताऊँगी और करछी से भी बनाना बताऊँगी। इस तरीके से आप छोटी कटोरी में इसको डालिए और आप डालते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ये कॉर्नर से डाला जाता है, सेंटर से नहीं डाला जाता। आ हम इसको कॉर्नर से डालते हुए फैलाएंगे, देखिए इस तरीके से। जहाँ जहाँ आपको खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से जाली इसकी बनके तैयार हुई है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आकर हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको कवर करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ये डोसा हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाना, हमें गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। अब देखिए 1 मिनट इसको कवर करने के बाद हम इसके ढक्कन को हटा देंगे और हम हल्का सा इसकी साइड पे ऑयल डालेंगे। जब ये नीचे से पक जाएगा तो ये पैन को अपने आप छोड़ देगा। इस तरीके से हम हल्का सा ऑयलिंग करेंगे इसके ऊपर। देखिए सेंटर से हमारा डोसा किस तरीके से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब क्योंकि हमारी गैस की फ्लेम सेंटर में होती है इसलिए हम इसको थोड़ा सा अपने पैन को इसको चारों तरफ से घुमाएंगे ताकि हमारा डोसा जो है वो मीडियम फ्लेम पर पूरी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि ये डोसा बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करें। ये देखिए इस तरीके से हम इसको हर तरफ से घुमाएंगे। अब ये कितने अच्छे से हमें दिख रहा है और जैसे ही ये बन जाएगा ये अपने आप ही सारे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अपने आप ही पैन को छोड़ देंगे। देखिए एकदम हेल्दी ग्लूटेन फ्री हमारा जौहर का क्रिस्पी डोसा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको ये देखिए सर्व करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे इसी तरीके से कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ, कुछ डिलीशियस टेस्ट के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल।